आपकी आवाज। ब्रेकिंग न्यूज, अमेठी से सामने आई है बिजली कर्मियों की हड़ताल पर सरकार ने लिया बड़ा निर्णय। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने किया ऐलान और कहा बिजली व्यवस्था बाधित करने वाले हड़ताली कर्मियों पर लगेगा एस्मा और एस्मा के तहत 1 साल तक की सजा का भी है प्रावधान। बिजली व्यवस्था बाधित करने वाले हड़ताली कर्मियों पर सरकार का कड़ा एक्शन। सभी जिलों के DM और SP को भेजा गया अलर्ट। हड़ताल पर अगर गए संविदा कर्मी तो किए जाएंगे बर्खास्त। संविदा कर्मियों को अगर काम पर जाने से अगर कोई रोकता है या फिर उन्हें बहला फुसला कर हड़ताल करने पर मजबूर करता है तो उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिर चाहे वह कार्रवाई कर्मचारी हो या फिर कोई कर्मचारी संगठनों के नेता ही क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उन पर कार्रवाई की जाएगी। नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है यदि कोई और फिर उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। NSA या रासुका भी लगाया जा सकता है। इस तरह का ऐलान ऊर्जा मंत्री AK शर्मा द्वारा किया गया है। अमेठी से संवाददाता प्रवीण शुक्ला की रिपोर्ट। अगर जनता को तकलीफ पड़ेगी और ऐसी परिस्थितियां आप खड़ी करेंगे तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत, जिसको शॉर्ट में ESMA बोलते हैं, उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी और उसके प्रावधानों के मुताबिक 1 वर्ष तक की सजा होने का भी उसमें प्रावधान है। जो कर्मचारी काम पे आना चाहते हैं, जो कर्मचारी काम करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा बहुतायत कर्मचारी काम पे बने रहने का उन्होंने संकेत दिया है, उन्होंने संकल्प लिया है। ऐसे कर्मचारियों को अगर कोई व्यक्ति रोकता है, रोक टोक करता है, कोई उन्हें बाधित करता है काम करने में या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, ऐसे लोगों के विरुद्ध, भले ही वो हमारे कर्मचारी ही क्यों न हो, भले ही कर्मचारी संगठनों के नेता क्यों न हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर हमारे किसी कर्मचारी को काम करने से रोका जाएगा या हमारी किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसके खिलाफ NSA या रासुका सहित तमाम कानूनी प्रावधानों के अनुसार हम निपटने को तैयार हैं और तब उससे बहुत सख्ती से हम निपटेंगे। हमने माननीय मुख्य सचिव ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार माननीय मुख्य सचिव ने और राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने और हमारे अधिकारियों ने, UPPCL के चेयरमैन, MD सहित सभी अधिकारियों ने, ACS सहित सभी अधिकारियों ने, पुलिस और जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर के साथ संयुक्त रूप से VC करके उन लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया है। आज की अंतिम हम लोग आज वार्ता किए, आज भी हमने लगभग 2 घंटे वार्ता किया, उम्मीद थी कि बात बन जाएगी, बात नहीं बनती दिख रही है। तो उस दृष्टि से हम जिलाधिकारी और जिला प्रशासन को, पुलिस को पूरी तरह से हमने सतर्क किया हुआ है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे उनका नेता हो, अगर कानून हाथ में लेता है या हमारी संपत्ति को नुकसान करता है या कुछ ऐसा करता है कि हमारी जो वैकल्पिक व्यवस्था है, कई जगह मैंने सुना है और पीछे की हड़तालों में भी सुना है कि कई जगह ये लोग कुछ ऐसा कर देते हैं कि नया अगर व्यक्ति उस पर काम करना भी चाहे तो उसको तकलीफ पड़ती है, ऐसे किसी भी प्रयास पर हम सख्ती से निपटेंगे, सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।